जय हिंद जय भारत। तो साथियों आ गई है वो ही आंगनबाड़ी भर्ती जो कि हम चर्चा कर रहे थे कि भाई हम आपको बताएंगे उसका चयन कैसे होगा, सैलरी कितनी मिलेगी और भी कोई काम है, सारे काम नंबरों के भी हैं भाई, कितने नंबर मिलेंगे, क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, तो सारी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो बस आप वीडियो में बने रहिए। मैं मिस्टर बाबू आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं बानसूर रोजगार में। तो आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी ना, ये राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती की अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट से जाकर और वहां से देख लीजिएगा। उनमें ही आपको पता चलेगा कि भाई आवेदन कैसे करें, है ना, सारी चीजों की वहीं पर आपको सूचना मिलेगी। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं और आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। राजेश सर आपको समझाएगा पूरी डिटेल के साथ। तो बताइए जी। जय हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इस आंगनबाड़ी भर्ती में चयन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्सों के हिसाब से होगा, नंबर मिलेंगे आपको, किस किस चीज़ के नंबर मिलेंगे, ये सारी तमाम बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बानसूर रोजगार में और मैं मिस्टर राजेश गुजर। चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। चयन होगा आपका मूल्यांकन के हिसाब से। मूल्यांकन जानते हो ना आप कि भाई इस चीज़ के भी नंबर मिल रहे हैं, इस चीज़ के भी नंबर मिल रहे हैं, उस हिसाब से है ये। आप देखो इसमें मेरिट के आधार पर है। जैसे मान लीजिए आपकी 10वीं में बनी कितनी, 90%, 95%, इस प्रकार से जितनी ज़्यादा परसेंट है उसी का चयन होगा। दूसरी बात देखो, स्नातकोत्तर अगर कोई है, कोई भी मेरी बहन एमए एमएससी एमकॉम जो भी कर रखा है उसके तीन नंबर मिल जाएंगे आपको, तीन नंबर का बेनिफिट होगा। हाँ, स्नातक यदि आप हो, बीए बीएससी बीएड बीकॉम यदि हो तो दो नंबर के आपका बेनिफिट का फायदा होगा, फायदा होगा। दसवीं और बारहवीं में आपको दो नंबर मिलेंगे, दो नंबर मिलेंगे। एससी एसटी ओबीसी की कोई भी महिला है उसको दो नंबर मिलेंगे, दो नंबर का बेनिफिट। आवेदनकर्ता महिला के परिवार में दो बेटी हो, ज्यादा ना हो। दो बेटी का मतलब ये नहीं है कि दो बेटी हो, यानी कि दो ही संतान होनी चाहिए, चाहे बेटी हो या बेटा हो, संतान दो ही होनी चाहिए। तीसरी संतान होगी तो वो मान्य नहीं किया जाएगा, ये ध्यान से सुनना आप। हाँ, ये छूट है यदि किसी भी भाई बहन के जुड़वा हो जाते हैं ना भाई, किसी महिला के जुड़वा हो गए तो उसको एक ही माना जाएगा, क्योंकि वो एक एक साथ हुई है ना जुड़वा, तो उनको एक माना जाएगा, वो उसकी छूट है। यदि तीन हुए तो फिर उसकी छूट नहीं है। इसमें दो ही बच्चे होने चाहिए, बच्चे दो ही अच्छे, चाहे दोनों बेटी हो तो वो ही मान्य होगा, या बेटा हो तो बेटा हो तो भी। हाँ, संतान दो ही होनी चाहिए, नंबर दो नंबर मिल जाएंगे। विधवा है, तलाकशुदा है, दिव्यांग है, विकलांग का प्रमाण पत्र वो लगाना, उसमें भी आपको दो नंबर की छूट है, क्योंकि भाई विधवा है तलाकशुदा है तो उनको भी छूट दे रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि यदि इन सभी में नंबर जुड़ गए, 10वीं 12वीं के नंबर जुड़ गए, 12वीं में मान लो जी आपकी 90% है, 95 है, 98 है, जो भी है, तो यही काउंट होगी। यानी कि आप देखो, अगर सहायक के रूप में हो, जैसे मान लीजिए आप ये सहायिका है, तो इस सहायिका में 10वीं मांग रहे हैं, तो 10वीं में मान लो 90 है, 95 है, तो उसको पहले लिया जाएगा। यदि कोई 12वीं है कार्यकर्ता, तो 12वीं में यदि कोई 90 है, 95 है, तो उसको लिया जाएगा। यही काउंटिंग होगी 10वीं की सहायिका के लिए और 12वीं की कार्यकर्ता के लिए। इसकी मेन बात तो ये है। बाकी यदि आपने डिग्री कर रखी है तो उसके फिर ये नंबर जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तो आपको ले लिया जाएगा और उसको नहीं लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। ये नंबर हैं जो आपको जुड़ जाएंगे, ये मिल जाएंगे, बाकी सिलेक्शन 10-12 पे ही होगा। यदि सहायिका बन रही हो तो 10वीं में जो आपकी बनी कितनी है परसेंटेज, उस हिसाब से सिलेक्शन, सहायिका वो ही 10वीं पास वाली। हाँ, और 12वीं में कार्यकर्ता, तो इसमें 12वीं की परसेंटेज जुड़ेगी, ये ध्यान रखना। आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, इनका कहना क्या है, देखिए ये जो सहायिका है ना, मतलब इससे छोटी, कार्यकर्ता से छोटी, छोटी, इसको 10वीं पास में ही 95-90 जितने भी परसेंट अंक मिल रहे हैं उसके अनुसार इसको नंबर मिलेंगे और इसका चयन होगा। ऐसे ही ये कार्यकर्ता है, यानी इससे बड़ी है, तो बड़ी के लिए 12वीं है, तो 12वीं में जितने भी परसेंट आपने किए हो
90 किए हो 95 किए हो तो उसके अनुसार ही आपको नंबर मिलेंगे और चयन होगा। तो ये चीजें समझ गए हो। दूसरी बात अब इसमें देखो, इधर ये देखिए अंक, अगर अंक समान आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक सामान्य महिला है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएसएस से और एक कोई विधवा महिला है तलाकशुदा है, तो विधवा महिला है और एक सामान्य महिला है, इन दोनों के नंबर बराबर आ गए मान लो, तो अब किसको लगाएंगे? तो अब उसी को लगाएंगे जो दुखियारी होगी, दुखियारी होगी उसी की सुनेंगे पहले। तो दुखियारी कौन है? विधवा है, तो उसको पहले लगाएंगे। दूसरी बात ये आपको क्लियर हो गई, अगर सामान्य महिला ही है ये भी सामान्य महिला ही है, सामने की भी सामान्य टक्कर बराबर हाँ, ये भी सामान्य महिला है, कोई विधवा उधवा नहीं है, और दूसरी वाली भी सामान्य है, कोई विधवा नहीं है। मान लो दोनों जनरल की हैं, कोई भी हो चाहे एमबीसी ओबीसी कुछ भी हो, दोनों बराबर है। जैसे ओबीसी ओबीसी वाली टक्कर हो गई, जनरल जनरल वाली टक्कर हो गई, अब दोनों के नंबर बराबर है, अब किसको लगाएं? अब किसको लगाएं? तो उसमें जो ज्यादा उम्र की होगी उसको लगाएं, क्योंकि भाई ये ज्यादा उम्र की हो गई तो ओरेज उरेज हो जाए, फिर बाद में फॉर्म नहीं भर पाए, तो इसको पहले लगा लेंगे। कम उम्र वाली है उसको फिर नहीं लगाएंगे। तो चलिए वेतन की बात कर ले, सैलरी बताइए। सैलरी इसमें सहायिका की 4500 रुपए है, बाद में बढ़ते रहेंगे, कार्यकर्ता के 8000 हैं, फिर बढ़ते रहेंगे। अब तो वो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये 15000 तक पहुंचेगी इनकी सैलरी। ये है काम, आपको पता ही है, बच्चों का पोषण करना, खेल कूद, गोटियां खिलाना, ठीक है, ABCD वगैरह भी सिखा देते हैं, बाकी ये खेल कूद, ये आंगनबाड़ी का काम है बस। 10वीं पास भी सिखा हाँ, तो ये सारा मूल्यांकन है, इसी के आधार पर चयन होगा। ये सारे नंबर जुड़ जाएंगे, जो जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी है उसके भी नंबर जुड़ेंगे, और बाकी आपकी जो परसेंटेज है उसके अनुसार आपको नंबर मिलेंगे और उसी के अनुसार सिलेक्शन होगा। और केवल महिलाओं हाँ, मेन बात तो मैं बता दिया आपको, प्रतिशत के हिसाब से 10वीं में 95 है, 12वीं में 95 है, उसी हिसाब से लगेंगे। मेन बात तो ये है, बस ये तो नंबर जुड़ जाएंगे, वैसे आपके ज्यादा बन जाएगी फिर। अब वो जितने हाँ, भी लेते वो छूटती है उस हिसाब से, उसके अनुसार चाहे आपकी 80 हो सके 80 बिल्कुल। और अब ये जो भर्ती निकल रही है किन किन जिलों में निकल रही है, 7-8 जिलों का नोटिफिकेशन है, आपको वीडियो कम्युनिटी में मिल जाएगी। कम्युनिटी में तो वो मिलेगी जिसकी हम डेट निकल चुकी है और वर्तमान में चल रही है, जो बाकी वीडियो देख सकते हैं आप, वीडियो भी बना रखी है किन 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 जिलों की भर्ती चल रही है। हाँ, तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वैकेंसी के साथ और नई भर्ती के साथ। आशा करता हूँ आप सभी को ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई है। अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी चीज में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी डाउट क्लियर तुरंत होगी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।